प्रिय मित्रों, शुभ आशीर्वाद, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सदा प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपका भारी हूँ। आप लोग इसी तरीके से मेरे कार्यक्रम को देखते रहें, खुद कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे। मैं आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंगल ग्रह कुंडली के किन किन राशियों में एवं भावों में विद्वान और प्रशासनिक अधिकारी बनाता है, इसको आप देखिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझे प्रत्येक वीडियो में मेरा फोन नंबर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, उसको संपर्क कर सकते हैं। जिसकी कुंडली मकर लग्न की और लग्न में मंगल बैठा हुआ, ऐसे लोग बचपन से ही शिक्षा का रुझान देते हैं। ऐसे लोग बहुत कम उम्र स्वावलंबी हो जाते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में सिंह राशि हो, उसमें मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग IAS, IPS, न्यायाधीश, वैज्ञानिक संबंधी शिक्षा पाते हैं और कला संबंधी भी शिक्षा पाते हैं। इच्छा अनुसार शिक्षा लेकर बहुत कम उम्र से ऐसे लोग विद्वता के साथ साथ अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में धनु राशि है, उसमें मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उद्योगपति भी बनते हैं, रंग से राजा बनते हैं और प्रशासनिक अधिकारी बनकर विदेश विभाग संबंधी नौकरी भी प्राप्त करते हैं। इनको कभी जीवन में इनकी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती है, न कभी चरित्र खराब। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में मकर राशि का मंगल बैठा हुआ है, क्या बात है दोस्तों। ऐसे लोग अपने जीवन को राजा के समान जीते हैं, अपने विद्या से जीते हैं। ऐसे लोग कई उद्योग, कई व्यापार के मालिक होते हैं। सरकार से इनको उच्च पद की प्राप्ति होती है, जैसे चेयरमैन, बैंक चेयरमैन, इस टाइप की राजनीति संबंधी प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। ये बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करिएगा। मेरे प्रत्येक वीडियो में आप फोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा फोन नंबर 9425308111। एक घर मैं भूल चुका था, उसको भी बता दूँ। बारहवें भाव में अगर मंगल मीन राशि का बैठा हुआ है, ऐसे लोग को धर्म से जोड़ता है, ऐसे लोग धार्मिक कार्य करते हैं और बहुत अच्छे पद की प्राप्ति करते हैं। अगर ये छोटी नौकरी करते हैं तो आखिर में प्रशासनिक अधिकारी विद्वान बन के ही निकलते हैं। इतना कहते हुए वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।